गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक नोटिफिकेशन ओपन किया है। यह नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी द्वारा 13 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया है एंड इस एप्लीकेशन में एडॉक पैनल लिस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड है। सिमिलरली आप किसी भी अदर डिपार्टमेंट के एडॉक पैनल के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी एडॉक पैनल किस बेसिस पर बनाती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू से दैट प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। योर वन लाइक इज ऑलवेज सपोर्ट फॉर अस, सो प्लीज हिट द लाइक बटन। सो वी मूव फॉरवर्ड। कॉलेज ने 2023-24 के लिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडॉक पैनल लिस्ट तैयार करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। अब इसमें जो है एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम जाएं तो जो एडॉक पैनल लिस्ट बनती है वो 4 कैटेगरी या 5 कैटेगरी में डिवाइड की है यूनिवर्सिटी ने। सो लेट्स चेक आउट दैट क्राइटेरिया। सो आपको एक गूगल लिंक दिया हुआ है जहां पर आपको फॉर्म को फिल करना है। मैं ये लिंक आपका गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जाके अगर आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडॉक पैनल लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फर्दर एप्लीकेशन सबमिटेड ओनली थ्रू द फॉलोइंग गूगल फॉर्म बाई 30th of April 5 PM। 5 बजे तक आपको ये एप्लीकेशन को सबमिट करना है गूगल फॉर्म के थ्रू 30 अप्रैल तक। सो जो क्राइटेरिया दिया है वो क्राइटेरिया क्या है, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स फर्स्ट डिवीज़न है प्लस PhD है तो आपको कैटेगरी 1 में रखा जाएगा यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से। फर्दर अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न ग्रेजुएशन लेवल पे है और PG लेवल पे है, यानी दोनों में से किसी एक पे है प्लस PhD है, तो आपको सेकंड कैटेगरी में रखा जाएगा। सो यानी फर्स्ट कैटेगरी में आपको तभी रखा जाएगा जब आपके PG एंड UG दोनों में फर्स्ट डिवीज़न है प्लस PhD है। फर्दर फॉर द थर्ड कैटेगरी, अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो फर्स्ट डिवीज़न है और PG जो है फर्स्ट डिवीज़न है बट आपके पास PhD नहीं है, नेट क्वालिफाइड है, तो आपको थर्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। सिमिलरली अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है आइदर एट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट क्वालिफाइड हो या MPhil हो तो आपको फोर्थ कैटेगरी में रखा जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आपके पास फिफ्थ एंड सिक्स कैटेगरी भी दी है। मैंने 5 बोला था बट यहाँ पर टोटल 6 कैटेगरी में आपको डिवाइड किया जाएगा। एंड जब भी कभी गैस फैकल्टी के इंटरव्यू होंगे, क्योंकि अभी एडॉक यूनिवर्सिटी में लेना बंद कर दिया गया है, सो जब भी कभी किसी भी कॉलेज में गैस के इंटरव्यू होंगे सो आपका नाम इस एडॉक पैनल लिस्ट में होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप वो इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते हैं। सो आपकी जो PhD है, अगर आप नेट से बचना चाहते हैं तो ऑलरेडी जो रूल है कि आप PhD रेगुलर मोड में होनी चाहिए, आपकी PhD की जो थीसिस है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर में चेक होनी चाहिए। फर्दर जो आपका PhD का है बाय वॉइस कंडक्ट होना चाहिए एंड इसी तरह से काफ़ी रूल्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पर एक और चीज़ थी कि जो आपकी हार्ड कॉपी आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसे 4 मई 2023 तक आपको यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट तक पहुँचाना है, जिसका एड्रेस शायद आपको यहीं मिल जाएगा, इसी एंड में दिया होगा। तो आपको चेकलिस्ट भी दी है आपको क्या क्या पुट करना है। एक फोटोग्राफ है आपका जो आपको एप्लीकेशन पुट करना है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन। सो इसी तरह से आप जो भी अपनी एप्लीकेशन में फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके सपोर्ट में आप एक डॉक्यूमेंट जरूर लगा दें जब आप अपनी एप्लीकेशन को सेंड करें। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है सो एक ईमेल आईडी दी है adocform2021@gmail.com, यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। सो अगर आपको फर्दर किसी भी तरह का डाउट है सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, सॉरी मैं डिस्क्रिप्शन बोल गया, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और कोई भी आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। फर्दर आपको किस एड्रेस पे सेंड करना है वो एड्रेस भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप पॉइंट नंबर 5 को पढ़ेंगे। सो आई थिंक मैंने अभी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फर्दर प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू
प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आपको जो भी नई न्यू नोटिफिकेशन है वो तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.